किसने कराई एल्विश पर FIR? कैसे किया गया स्टिंग ऑपरेशन? केस के पीछे कौन है सबसे बड़ा किरदार? किस वीडियो की वजह से फंसे हैं एल्विश? ये सवाल इसलिए क्योंकि एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती ही नजर आ रही हैं। एल्विश पर नोएडा पुलिस ने रेव पार्टी में सांप के जहर के इस्तेमाल को लेकर FIR दर्ज कराई है, लेकिन इस कार्रवाई के पीछे की कहानी कुछ घंटों या एक दिन की नहीं है। दरअसल एल्विश को मुश्किल में डालने के पीछे उनका एक वीडियो है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा था। इस वीडियो में एल्विश सांप को गले में डाले दिख रहे थे। इस वीडियो को देखने के बाद PFA यानी पीपल फॉर एनिमल NGO ने जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक NGO ने एल्विश के कई वीडियो को देखा, उसके बाद एक स्टिंग ऑपरेशन प्लान किया गया। हालांकि इस वीडियो को लेकर एल्विश ने सोशल मीडिया पर सफाई भी दी थी। उन्होंने एक्स पर स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि ये म्यूजिक वीडियो का सीन है और 6 महीने पुराना है। हालांकि उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि सीन फिल्माने के लिए इस बात पर कोई परमिशन ली गई थी या नहीं, लेकिन इन सब के बीच अब ये दावा किया जा रहा है कि एल्विश की मुश्किलें बढ़नी तय है और जल्द ही वो गिरफ्तार किए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर किस संस्था ने, किस सदस्य ने और कैसे इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? तो हम आपको बता दें, इस संस्था का नाम है PFA। ये मेनका गांधी का NGO है और ये NGO का ही हिस्सा है स्टिंग ऑपरेशन। इसके बाद एनिमल वेलफेयर ऑफिसर के पद पर कार्यरत गौरव गुप्ता ने नोएडा पुलिस में FIR दर्ज कराई थी, जिसमें एल्विश का नाम भी शामिल है। गौरव ने मीडिया को बताया कि नोएडा में इस तरह की गतिविधियों की सूचना मिल रही है, तो ये भी पता चला कि यूट्यूबर एल्विश यादव नोएडा NCR के फार्म हाउसों में कुछ लोगों के साथ मिलकर स्नेक वेनम और जिंदा सांपों के साथ वीडियो शूट कराते हैं। इसके साथ ही ये गैर कानूनी रूप से रेव पार्टियों को आयोजित कराने की भी जानकारी मिली थी, जिसके बाद एक मुखबिर ने एल्विश यादव से संपर्क किया। बात करने पर एल्विश ने राहुल नाम के एक एजेंट का नंबर दिया और कहा कि उनका नाम लेकर बात कर लो। मुखबिर ने राहुल से संपर्क करके पार्टी आयोजित करने के लिए बुलाया और इस पार्टी की सूचना शिकायतकर्ता ने वन विभाग के अधिकारियों और पुलिस को दे दी। इसके बाद आरोपी 2 नवंबर को सेवरोन बैंकेट हॉल में सांप को लेकर पहुंच गए। उसी दौरान वन विभाग की टीम ने पुलिस की मदद से आरोपियों को मौके पर पकड़ा। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान दिल्ली के राहुल, टीटूनाथ, जयकरण, नारायण और रविनाथ के रूप में हुई। हालांकि इन 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद एल्विश यादव की सफाई भी सामने आई है। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट कर कहा है कि वो सुबह उठे तो मीडिया में न्यूज देखी कि एल्विश यादव नशीले पदार्थों के बिजनेस में शामिल है, वो अरेस्ट हो गए हैं। उन्हें अरेस्ट होने की खबर को बेबुनियाद बताया और कहा कि उनके खिलाफ जितनी भी चीजें चल रही हैं वो फेक है और इन सब में उनका कोई भी लेना देना नहीं है। उधर मेनका गांधी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमें इसके बारे में इसलिए पता चला क्योंकि इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव इसे बढ़ावा दे रहे हैं। एल्विश को गिरफ्तार करने की जरूरत है, वो ही इस पूरे मामले के सरगना है। सांपों को जंगलों से पकड़कर मार दिया जाता है, सभी लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची में है। कानून के तहत 7 साल की जेल है जो उन सभी को मिलनी चाहिए। हर कोई TRP के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है। वीडियो कंटेंट और भी अजीब होते जा रहे हैं। खैर, ये तो एल्विश यादव के केस को लेकर बात रही। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़बुक के साथ।